महान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सतगुरु लोक उजागर। महाराज, आप अपने स्थान से नहीं उठ सकते हैं। किंतु पुरोहित जी मेरा पुत्र कहीं? बीच यज्ञ से उठना अशुभ होता है राजन। यज्ञ आरंभ कीजिए महाराज। ओम गहरी से गहरी गहराई काल चक्र ने सब दिखलाई। कहते तेरी आयु अल्प त्याग दे अपना संकल्प। अरे यहाँ तो चारों ओर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। फल दिखाई नहीं दे रहा है, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तुम एक अल्प आयु के अबोध बालक हो, मुझे दया आ रही है तुम पर। देखो अभी भी मेरी बात मान लो और लौट जाओ। इस कालपथ के गहन अंधकार में अपने भविष्य को ऐसे भटकते हुए विलीन मत होने दो, लौट जाओ। किंतु मुझे बहुत भूख लगी है, जब मैं आकाश फल को खाऊंगा तभी मेरी भूख मिटेगी। बहुत ही हठी बालक है ये। नारद वचन पर कर विश्वास, कहे सब क्षमता। मैं तो वहीं पहुंच गया जहां पहले था। कालदेव मुझे भ्रमित कर रहे हैं, किंतु मैं तो आकाश फल खा कर ही रहूंगा। ये कहाँ फंस गया मारुति? इसका तो अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है, अब क्या करूं? अबोध है बालक जो कालदेव के सत्य को समझ नहीं पाया, अन्यथा कालपथ की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर पाता। अब तो कालपथ की भूल भुलैया में खो कर रह जाएगा। अच्छा ही हुआ, अब इस ओर तो क्या किसी ओर भी नहीं जा पाएगा ये बालक। कालपथ की अनंतता को क्या पार कर पाएगा ये बालक?
अभी तक तो मारुति को लौट आना चाहिए था। प्रतीत होता है वो बहुत ऊपर चला गया है। काश हम उड़ पाते तो मारुति को ले आते। किसी संकट में तो नहीं होगा हमारा मित्र मारुति? बलबला बलबल, ऊपर गया है मारुति। ये मूर्ख बालक भले ही ना समझे, किंतु मैं समझ गया हूँ बलबला बलबल। उसका आकाश फल कोई और नहीं, सूर्य है, सूर्य। बलबला बलबल, आज कुछ तो घटना घटेगी। ये भी हो सकता है कि मुझे ज्ञात हो जाए कि उसके पीछे किन देवताओं की शक्ति है। बलबला बलबल, युवराज, युवराज, युवराज मारुति, युवराज मारुति, मारुति, युवराज मारुति न जाने कहाँ चले गए हैं। कुछ भी ज्ञात नहीं है, कहाँ चले गए हमारे युवराज मारुति। उनके मित्र भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, यह हो सकता है उनके साथ में हो। उन्हें अवश्य ही ज्ञात होगा कि हमारे युवराज मारुति कहाँ हैं। हाँ हाँ, चलो चलो देखते हैं। यदि मारुति के मित्र इन सैनिकों को मिल गए तो मुझे कुछ करना होगा। युवराज, युवराज मारुति। तनिक भी इधर उधर होते तो ये डाल हमारे ऊपर ही गिरती। हाँ, चोट लग जाती अभी। हम सब लात मार मार के इस डाल को नदी में गिरा देते हैं। हाँ हाँ, गिरा देते हैं, गिरा देते हैं। चलो चलो। कुछ तो बताओ अपने मित्र मारुति के लिए, हम क्या करें? तुम तो बड़े ज्ञानी हो नील, सबको कहते फिरते हो थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ सुझाव निकालो नील। यदि हम मारुति की बात राजमाता को बता दें तो? हाँ, ये उचित रहेगा। हमें महाराज और महारानी जी को बता देना चाहिए। युवराज, 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 ये तो सैनिक है। अवश्य ही महाराज ने मारुति को ढूंढने भेजा है। तो फिर चलो 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 चलो। बल शुक्रिया से निकल। कितना भी प्रयास कर लो बालक, मेरे कालपथ को पार करना इतना सरल नहीं है बालक। किधर गया वो आकाश फल? मारुति की भूख तो और भी बढ़ रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बालक, मैं अनंत हूँ। मेरी गहराई अथाह है, जिसकी था तुम क्या।
कोई भी नहीं पा सकता। फिर भी यदि तुम चाहो तो मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और फिर तुम जा सकते हो बालक। क्या सोच रहे हो बालक, पश्चाताप हो रहा है ना अपने निर्णय पर? महाकाल का सहायक महाकाल के ही अंश को इस प्रकार बाधित करे, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रिय, जल में पड़ते हुए प्रतिबिंब को देखकर कोई चंद्रमा को बांध सका है क्या? काल देव का काल पथ भले ही मेघों के समान अंधकारमय है, किंतु मारुति भक्ति और ज्ञान रूपी विद्युत है। जिस क्षण चमकेंगे सारा अंधकार दूर हो जाएगा। पश्चाताप तो नहीं हो रहा है मारुति? ये सोच रहा था कि आप कितने विस्तार में हैं। क्या मैं भी आपके भांति विस्तार पा सकता हूँ? विस्तार पाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करके देखता हूँ। देख लो। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। राम राम जय राम राम जय राम राम जय। अरे तुम तो सच में बड़े होते जा रहे हो। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आज से भी बड़ा हो जाऊँ। हाँ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते बालक। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मुझ आनंद से भी अनंत होते जा रहे हो। देखा आपने, मैं जिस तरह से बड़ा होता हूँ उसी तरह से छोटा भी हो जाता हूँ। मैं बनू सूक्ष्म और बनू विराट, नहीं कोई बंधन अकाट। देखा आपने, मेरे वश में तो सब कुछ है। मैं बड़ा भी हो सकता हूँ और छोटा भी। अच्छा, तो फिर दिखाइए ना। बालक, मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ? ये देखो, मैं भी छोटा हो सकता हूँ। आप छोटे तो हो रहे हैं, किंतु मैं बिंदु के समान छोटा हो सकता हूँ। आप उतने छोटे नहीं हो सकते। मैं काल हूँ, लघु से लघुत्तम भी बना सकता हूँ मैं स्वयं को। विश्वास नहीं होता, मेरी तो छोटी हथेली है। यदि आप इससे भी छोटे हो गए तो मैं आपको मान लूंगा। अच्छा, किंतु मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें अभी विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, तो मेरी हथेली पर आकर दिखाइए, अन्यथा मुझे आकाश पल तक जाने दीजिए। तो ये देखो, हाँ,
कालदेव से चतुराई करने में तुला है वो बालक। कालदेव उसकी बातों में आ क्यों रहे हैं? बाल बुद्धि से युक्ति खेली, बांधा काल बाल हथेली। ज्ञानियों में सबसे आगे खाने सूर्य कुमार तिभागे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। देखा तुमने बालक, काल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा कीजिएगा कालदेव। अरे बालक, अरे बालक ये क्या कर रहे हो? कर रहे हो बालक, तुमने अपनी हथेली क्यों बंद कर ली? क्योंकि मारुति को भूख लगी है, मुझे उस आकाश फल तक जाना है और अपनी भूख मिटानी है। बालक मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, हमें मुक्त कर दो बालक। प्राणवल्लभ, जब कालदेव अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा या घटा सकते हैं, तो मारुति की मुट्ठी से मुक्त होने के लिए उन्हें पुनः अपना आकार बढ़ा लेना चाहिए, किंतु वो तो इस प्रकार विवश होकर रह गए जैसे मारुति की मुट्ठी अपार बंधन बल हो। वो काल है तो मारुति महाकाल के अंश, रुद्र के अवतार है मारुति। उन रुद्रांश की बंदी मुट्ठी खोलने की शक्ति काल में भी नहीं है। नटखट मारुति जब स्वयं मुट्ठी खोलेंगे तभी काल देव मुक्त हो पाएंगे। इस बालक ने तो अपनी बुद्धिमत्ता से मुझ काल को ही स्वयं अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। कौन है ये बालक और मैं स्वयं कालदेव विवश हूँ? ना ही मुक्त हो पा रहा हूँ और ना ही अपना आकार बड़ा कर पा रहा हूँ। अरे अरे, ये तुमने क्या किया बालक? बालक मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, अन्यथा सृष्टि का कालक्रम बिगड़ जाएगा। बालक मुट्ठी खोलो, हमें मुक्त करो बालक। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम राम जय।